नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और एक 150 गज की कोठी आपको दिखाने आए हैं। पुरानी बनी कोठी है और पुराने जो स्टाइल के घर होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ये अब देखिए कि यहाँ पे वॉशिंग एरिया समझ लीजिए, यहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े करने के लिए जगह, यहाँ पे गाड़ी खड़े करने की जगह, सीढ़ी बाहर से है। और जो दरवाज़ा है ये जाली का बहुत बड़ा है, 4 फिट का है। और यहाँ पे जो डाउन सीलिंग नहीं की है, POP में इसका डिज़ाइन किया गया है। तो POP का यहाँ डिज़ाइन है और डाउन सीलिंग से ये बेटर रहता है। अब ये ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, यहाँ पे ये खुला एरिया है, 2 पंखे लगे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि काफ़ी लंबी स्पेस है। अब पीछे यहाँ पे वॉलपेपर नहीं लगाया है, ये जो जिप्सम जिसको कहते हैं या चिप्स जिसको कहते हैं, उस तरीके का ये टेक्सचर यहाँ पे कोटिंग की गई है। ये वाला एरिया ये सेपरेट किया गया है ड्राइंग एरिया के तौर पे, कि यहाँ पे आपको आप सोफा लगा सकते हैं। इसके अंदर भी ये डिफरेंट शेड्स के साथ ये टेक्सचर किया गया है। तो ये ड्राइंग डाइनिंग सेपरेट हो गया और ये वाले एरिया को कैबिनेट लगा दी गई है। यहाँ पे जियो का वाईफाई भी लगा हुआ है। और इस तरफ जो है पूजा रूम बना हुआ है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के मालिक हैं इस घर के। अब रसोई, यहाँ पे किचन है, किचन में पर्दा लगाया हुआ है। और जो हम कहते हैं कि आज के हिसाब से जितने भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पे लगी हुई हैं। पंखा भी किचन में लगा हुआ है, यहाँ से एग्जॉस्ट लग जाएगा, चिमनी लग जाएगी। और सिंक हैं ऑलरेडी लगे हुए। और नीचे 150 गज में 2 कमरे बनाए गए हैं। तो 2 कमरों से पहले इस तरफ एक वॉशरूम बनाया है कॉमा। और जो यहाँ पे टेबल है, ये ड्रेसिंग जो वॉश बेसन है उसकी देखें कैनोपी कितनी बढ़िया बनाई गई है। तो यहाँ पे कबर्ड्स हैं इसके अंदर, आइए आपको दिखाते हैं कि इस रूम में ये फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड्स दी गई हैं और साथ में ड्रेसिंग भी है। और फिलहाल कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। और ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर भी एक स्टोर बना रखा है, तो ये भी आप देखें कि स्टोर बना रखा है। और इसका फिर यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है, तो जो कि बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, रेडी है। तो ये हो गया 1 बेडरूम। अब दूसरे बेडरूम में चलते हैं। दूसरे बेडरूम, इस बेडरूम का दरवाज़ा आप देखें कि दरवाजे में भी डिज़ाइनिंग कर रखी है, ग्लास यूज़ किया गया है, तो अच्छी चीज़ है। तो कैबिनेट के साथ में अब रूम नंबर 2 में चल रहे हैं। तो इसके अंदर भी आपको फुल लेंथ कबर्ड्स मिल रही हैं। और यहाँ स्प्लिट एसी लगा हुआ था और ये फुल लेंथ यहाँ पे आपको कबर्ड्स मिल रही हैं। और बाहर वॉशिंग एरिया भी दिया गया है, तो पीछे से जाल लगा के इसको बंद भी कर दिया गया है ताकि कोई बाहर से ना आ सके। और पीछे ये वॉशिंग एरिया भी है। तो ग्राउंड फ्लोर पे हो गए 2 कमरे। अब फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे, तो फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम है, आइए चलते हैं। इसमें भी ये किचन है, ये काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पर भी रेंट पे दे रखा है, फैमिली रह रही हैं। और ये बीच वाली लॉबी आ गई, यहाँ पे 1 बेडरूम ये हो गया। और ये भी बेड काफ़ी बड़ा है, उसके साथ में यहाँ अटैच वॉशरूम है। तो यहाँ पे सच्चे पातशाह जी जो राजस्वामी परिवार के मुखिया थे पहले, चरण सिंह जी, उनकी तस्वीर है, बहुत है। तो ये दूसरा रूम है, यहाँ पे भी अभी बहुत सारा सामान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रूम ये हो गए और स्टोर भी है, बाहर एक और रूम है। तो छत पे हम आ गए हैं, ये टंकी पे चढ़ने के लिए ये वाली सीढ़ी है। 1 कमरा यहाँ बना हुआ है, साथ में ममती है। और आप देखें सामने कितनी शानदार कोठी बनी हुई है, इस तरफ नई कोठी बनी हुई है, इस तरफ आप देखेंगे सामने शानदार कोठी बनी हुई है। और ये सारी की सारी जो गली है आगे मेन हाईवे पे चढ़ रही है। और इस तरफ पीछे बाईपास घूम रहा है, जो कि कुराली का बाईपास है, वो सामने से घूम रहा है, वहाँ ट्रक जा रहा है, वो
मेन रोड है, मेन रोड से बिल्कुल पास में है। और ये 150 गज की कोठी है, ग्राउंड पे 2 बेडरूम बने हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम बने हैं और 1 बेडरूम छत के ऊपर यानी के टॉप फ्लोर पे बना हुआ है। छत भी साथ में है आप देख सकते हैं। और इस 150 गज की कोठी का नक्शा पास है, शहर के बीच में है, गली में सीवरेज है और आपको इस पे बैंक लोन भी मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस ये डिमांड कर रहे हैं ये 77 लाख रुपीस मांग रहे हैं, 77। अब 77 कैसे मांग रहे हैं, इन्होंने अपनी कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से कहते हैं जी ये जेन्युइन प्राइस है कि 77 लाख रुपए में हम ये कोठी दे देंगे आपको और इस पे बैंक लोन भी मिल जाएगा। तो अगर आप चंडीगढ़ के पास शहर कुराली जो है जहां से न्यू चंडीगढ़ में पास में है और मेन चंडीगढ़ भी पास में है, तो पीजीए वाला रोड भी यहां से 15 मिनट लगेंगे आपको पीजीए वाले रोड पे पहुंचने में और 15-20 मिनट में आप यहां से खरड़ में पहुंच जाओगे और वहां से मोहाली जो है 20-25 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो 25 मिनट की ड्राइव आप समझें कि आपको यहां से चंडीगढ़ लगेगा। और इस शहर के अंदर अभी फिलहाल प्रॉपर्टी सस्ती है, आपकी गुंजाइश जो है उसके अंदर ये पॉकेट के अंदर आ सकती है। और ये पुराना शहर है, 100-125 साल पुराना, चंडीगढ़ से भी पहले ये शहर था। और सारे पंजाब के जितने होलसेलर पटाखा बेचने वाले हैं, जो दिवाली पे हम पटाखे जलाते हैं, वो इसी शहर में हैं। तो ये बहुत फेमस शहर है उस इलाके से। तो प्राइस हमने बोल दिया, आपको बता दिया कि 77 लाख रुपीस में ये 5 कमरों वाली कोठी 150 गज की ईस्ट फेसिंग नक्शे पास वाली कोठी आपको मिल रही है। बाकी ऑन टेबल नेगोशिएशन हो जाएगी, कितनी होगी वो जब आप सामने आएंगे तब पता लगेगा। तो इतनी थकन के बावजूद मैं चल रहा हूं, मेरा बदन छल नहीं हुआ। इतनी थकन के बावजूद मैं चल रहा हूं, मेरा बदन छल नहीं हुआ। उसको बिछड़े तो मुद्दत हो गई मगर वो शख्स मेरी आंख से ओझल नहीं हुआ। तो ये शेर है आपकी नजर कि जिनसे हमें मोहब्बत होती है वो चाहे हमसे दूर चले जाएं लेकिन वो रहते हैं हमारी आंखों के अंदर ही हैं, आंखों में बसे रहते हैं। तो हो सकता है आपका भी कोई ऐसा दूर हो आपसे, क्योंकि हमारे बहुत सारे चाहने वाले आजकल विदेशों में रहते हैं और माएं तो याद करती हैं बच्चों को बेचारी। बहुत सारे मैंने देखा है कि पंजाब के जो माँ बाप हैं उनकी जब यहाँ पे मौत होती है तो बच्चे आ नहीं पाते। और हमारे एक पड़ोसियों की डेथ हुई तो बच्चों ने वीडियो कॉल के ऊपर अपने माँ बाप का जो अंतिम संस्कार था वो देखा। बड़े दुख की बात थी कि किस लिए भेजे हैं ये अपने जिगर के टुकड़े विदेशों में, कि जब वो चिखा को अग्नि देनी है तब बेटा है ही नहीं और वो होते हुए भी ना होने जैसा है। तो खैर ये त्रासदी है हमारी, सभी को विदेशों में सेट होना है। तो कहते हैं पंजाब में जब बच्चा 5वीं 6वीं में पढ़ने शुरू हो जाता है तो वो तब से ही सोच लेता है कि मैं तो जी ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, न्यूजीलैंड जाऊंगा, जहां उसके रिश्तेदार रहते हैं। तो चलो मेरे को लगता है कि आगे 20 सालों के बाद पता नहीं क्या होगा पंजाब का, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है उसके साथ चलना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके काम की होगी। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।